Hello students, so today we are going to learn standard 8th maths worksheet section C. Question number 1 is find the value of x in the following figure. Now the figure is given to you A, B, C and D. A is 30 degree, B 70, C पे कुछ नहीं तो हमने x put किया है and D is 30 degree. Now we all know that कि अगर हम सारे angles का plus करेंगे तो हमें answer क्या मिलता है 360 degree. अब हमारे पास थ्री एंगल का मेजरमेंट है, वन मिसिंग है, तो क्या करेंगे, तीनों का प्लस करवा के हम 360 में से उसको माइनस करवा देंगे. जो आएगा वो फोर्थ एंगल का मेजरमेंट होगा, राइट. सो मेजर एंगल है 30 डिग्री, मेजर एंगल बी 70 डिग्री, मेजर एंगल सी एक्स डिग्री एंड मेजर एंगल डी इज़ अ 130 डिग्री. चारों एंगल का प्लस करेंगे देन वी गोट आंसर 360 डिग्री. सो 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 130 डिग्री. सो क्या करेंगे, करेंगे हम 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 130 230. सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री. सो वी गॉट द आंसर इज 130 डिग्री. सो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 130 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड फिगर इस तरीके का है. एक्स जो ए में लिखी हुई है तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी नेम्स दे दिए हैं. बी है 120 डिग्री, सी है ओनली 30 डिग्री एंड डी पे इस तरीके का मेजरमेंट गिवन. अब इसमें तरीके का मेजरमेंट यानी कौन सा डिग्री हुआ है, दैट इज़ अ 90 डिग्री. सो मेजर एंगल ए एक्स जो हमें फाइंड करना है, बी कितने डिग्री का है 120 का, सी 30 का और डी है 90 डिग्री का. सो ये सब आप खुद ट्राई करो, दिस इज इन योर होमवर्क, डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. सो द क्वेश्चन इज 15 इन द ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 इन द ब्रैकेट y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट y प्लस 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स गिवन है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो इसे हम सॉल्व करवा देंगे. 15 इंटू वाई 15 वाई, 15 इंटू 4 15 फोर ज़ा 60, माइनस का साइन एज इट इज. नाउ माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 वाई, माइनस माइनस विल बी प्लस, 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5 वाई, 5 इंटू 6 30. सो यहाँ पे हमारे पास है 15 वाई, यहाँ पे हमारे पास है 2 वाई. सो 15 वाई माइनस 2 वाई 13 वाई आ जाएगा, देन माइनस 60 एंड प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 60 माइनस 4 56, साइन रहेगा माइनस का क्योंकि बिगर नंबर के पास माइनस का है साइन, इज इक्वल टू 5 वाई प्लस 13 एज इट इज. नाउ y वाली टर्म को इस तरफ लाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसे हम इस तरफ लाएंगे. सो 13 वाई देन 5 वाई जो है वो प्लस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, 30 इस तरफ है, माइनस 56 गोज टू अपोजिट साइड देन इट इज़ अ प्लस 13 वाई माइनस 5 वाई 8 वाई एंड 30 प्लस 56 आंसर इज 86. नाउ 8 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 86 अपॉन 8, 43 टू ज़ा 86 एंड 4 टू ज़ा 8, 2 टू कट, सो द आंसर इज 43 अपॉन 4. डन. सो फर्स्ट आई हैव डन, सेकेंड डू इट बाय योरसेल्फ, इट इज इन योर होम. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो फर्स्ट नंबर इज 625, इसके पहले हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं. 5 125 ज़ा 625, 525 ज़ा 125, 55 ज़ा 25 एंड 5 वन ज़ा 5. सो स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें 2 2 का पेयर बनाना होगा. सो इसके फैक्टर्स है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, देन 2 2 का पेयर बनाएंगे. फर्स्ट पेयर में से हमने 5 लिया, सेकेंड पेयर में से 5 लिया, 5 5 ज़ा 25. सो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25. क्लियर. सो इसी तरीके से आपको पहले क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है, देन 2 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है. सो बाकी वाले 2 सम्स जो है वो आप होमवर्क में कर सकते हो. सो सेकेंड एंड थर्ड डू इट बाय योरसेल्फ, इट इज़ इन योर होमवर्क.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2-2 का पेयर बनाया था, वैसे सेम मेथड से करेंगे, लेकिन क्यूब है तो हम क्यूब रूट में 3-3 का पेयर बनाते हैं। सो नंबर इज 729, सो 3 × 2 = 3 = 729, 3 × 1 = 8 = 3243, 3 × 27 = 181, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, एंड 3 × 1 = 3। सो फैक्टर्स हैं यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। सो फर्स्ट पेयर बनाया 3 कॉमन, सेकेंड पेयर 3, सो 3, 3 = 9। सो 729 किसका क्यूब रूट है? 9 का। क्लियर? सो ये हो गया हमारा वर्कशीट सॉल्व। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपको खुद ट्राई करना है, इट इज़ इन योर होमवर्क। सो वर्कशीट इज ओवर योर। थैंक यू।